और चलिए अब रुख करते हैं कुछ दमदार ट्रेडिंग कॉल्स का, जो हम हर रोज की तरह आपके सामने रखते हैं। हम कुछ एनालिस्ट से बात करते हैं जो कि आपको बताते हैं कि आज कमाई के लिहाज से मौके कहाँ दिखाई दे रहे हैं। और अब वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। वामाक्षी बताइए, आज ट्रेडिंग के लिहाज से मौके कहाँ दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, 5 पैसा कैपिटल की तरफ से 2 खरीदारी के कॉल्स आ रहे हैं। IDFC फर्स्ट बैंक पर वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। खरीदारी की राय ये स्टॉक पर स्टॉप लॉस 53 के साथ उन्होंने लक्ष्य दिया है 59 का। अल्ट्राटेक सीमेंट पर भी खरीदारी की राय आ रही है इनकी तरफ से, स्टॉप लॉस 6070 के साथ टारगेट प्राइस दिया है 6420 का। रैलीगेयर की तरफ से भी 2 खरीदारी के कॉल, और रैलीगेयर भी IDFC फर्स्ट बैंक पर पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। खरीदारी की राय उनकी तरफ से स्टॉप लॉस 53 के साथ उन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 59 का। सन फार्मा की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है, स्टॉप लॉस 938 के साथ टारगेट प्राइस दिया है 985 का। निर्मल बैंक इनकी तरफ से भी IDFC बैंक फर्स्ट बैंक पर काफ़ी पॉजिटिव नज़रिया है। खरीदारी की राय इनकी तरफ से टारगेट प्राइस दिया है 60 का, स्टॉप लॉस 52 के साथ। मेट्रोपोलिस पर भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। खरीदारी की राय मेट्रोपोलिस पर टारगेट प्राइस 1610 के साथ, स्टॉप लॉस 1550। क्वांटिफाई कैपिटल की तरफ से फेडरल बैंक पर पॉजिटिव व्यू, खरीदारी की राय फेडरल बैंक पर स्टॉप लॉस 123 के साथ उन्होंने लक्ष्य दिया है 130 का। M&M फाइनेंस पर भी खरीदारी के कॉल्स आ रहे हैं, स्टॉप लॉस 200 का, टारगेट प्राइस 220 का। तो अगर हम देखें IDFC फर्स्ट बैंक पर काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे हैं और सारे ही खरीदारी के कॉल्स हैं। बिल्कुल, तो आज सारे ही कॉल्स में खरीदारी करने की राय। और इंटरेस्टिंग है, आज कुछ कॉल्स में आज कुछ स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा रुझान दिख रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक में काफ़ी सारे कॉल्स हैं, सन फार्मा को लेकर भी कुछ कॉल्स नज़र आ रहे हैं, फेडरल बैंक भी में भी रुझान आज दिखाई दे रहा है एनालिस्ट का। तो यहाँ पर आप पर नज़र रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। नहीं चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो ट्रेडिंग कॉल्स हमने आपको बताई। कल का बाजार कैसा रहा, कहाँ पर तेजी थी, कौन से सेक्टर्स में दबाव देखने को मिला, इस पर एक पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ शरद वापस से जुड़ चुके हैं। शरद बताइए। सेक्टोरल गेनर्स की बात करें तो ऑफकोर्स रियल्टी सेगमेंट, PSU बैंक और FMCG सेगमेंट में जो थोड़ी बाइंग देखने मिली है। हालांकि मीडिया सेगमेंट में जो है अभी भी लगातार प्रेशर देखने मिले और ये प्रेशर 3 से 4 सेशंस में जो है और बढ़ी है। निफ्टी गेनर्स की बात करते तो एक्सिस बैंक, पावर ग्रेड, कोल इंडिया, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स जो थे टॉप गेनर थे डेज के ट्रेड में। और अगर बात करें लूजर्स की तो ऑफकोर्स उसमें टॉप लूजर्स में आता है एशियन पेंट्स, और इसके अलावा अदानी एंटरप्राइज, डॉक्टर रेड्डीज और भारती एयरटेल में भी सेलिंग प्रेशर देखने मिली थी। निफ्टी 50 डिलीवरी गेनर्स ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जो वीकली आउट परफॉर्मेंस होती है उस बेसिस पे जो है हमें एक्सिस बैंक, कोल इंडिया और पावर ग्रिड और L&T जैसे स्टॉक्स जो है फोकस पे रखे। अंडर परफॉर्मेंस में जो अभी भी फार्मा पे थोड़ी दबाव देखने मिल रही है, डेविस लैब्स आई है और इसके अलावा जो है ऑफकोर्स भारती एयरटेल और डॉक्टर रेड्डी ये भी जो है फोकस में रहने वाले हैं। 52 वीक हाई के कोई कंपनीज है नहीं, लेकिन मिड कैप स्पेस में बज कर रहे रेमंड जो है ऑफकोर्स अपने देख सकते हैं 52 वीक हाई पे है। JB ऑटो जो है यहाँ पे भी बहुत अच्छी मूवमेंट देखने मिली है। मजगांव डॉग जो है वो भी अपने लाइफ टाइम हाईस पे चल रहे, और IDFC यहाँ पे भी जो है न्यूज़ बेस बज हो रही है। ऑफकोर्स यहाँ पे जो है उनकी म्यूचुअल फंड की जो है आप कह सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक में जो है पैसा आएगी, क्योंकि अप्रूवल आ गई है ट्रांसफ़र करने की IDFC म्यूचुअल फंड को। और इसके अलावा मिड कैप लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी मुनाफा वसूली एस्टेडियम वेल्थ केयर, DM हेल्थ केयर में दिख रही है, ग्रीन पैनल में दिख रही है, राइट्स और GE शिपिंग में भी दिख रही है। अब बात करते हैं मिड कैप की 52 वीक हाई लेवल्स के स्टॉक्स है, यहाँ पे शार्प ये होटल स्टॉक्स में शाले होटल्स है और रेमंड है, और इसके अलावा IDFC की जो हमने दोनों बात की तो दोनों कंपनीज IDFC भी और IDFC फर्स्ट बैंक भी दोनों जो है मिड कैप में 52 वीक हाई लेवल्स पे है। थोड़ी सी स्मॉल कैप स्टॉक्स में बात कर लेते हैं, यहाँ पे वीकली आउट परफॉर्मेंस में राजेश एक्सपोर्ट्स है, श्री रेणुका जो है डेली अपनी हाईस को टच कर रही है, इसके अलावा JSW एनर्जी भी है। मिड कैप की जो वीकली अंडर परफॉर्मेंस की बात करें तो फिर से फार्मा नाम आ रही है, बायकॉन है, लुपिन है, ये दोनों नाम आ रहे हैं, इसके अलावा ग्रीन पैनल और कजारिया सिरेमिक्स है। और जो इंपॉर्टेंट डिलीवरी गेनर्स की बात करें, जहाँ पर डिलीवरी अच्छी दिख रही है वहाँ पर जो है डिलीवरी बेस्ड बाइंग्स में आपको JB ऑटो, रेमंड, IDFC और सरप्राइजिंगली मणप्पुरम फाइनेंस दिख रहा है। के लिए तो ये मार्केट किस तरह का था, कल किस तरह का कारोबार देखने को मिला ये हमने आपको बताया।